हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली है इग्नू को, तो जिस पे जो है हमारे प्रोफेसर नागेश्वर राव वाइस चांसलर इग्नू ने जो है एक वेबसाइट के ऊपर ट्वीट भी डाला है और अपने इग्नू की वेबसाइट के ऊपर डाला है, जो नैक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद नैक, जो यूनिवर्सिटी को सर्वे करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सा ग्रेड देना है, किसका स्टैंडर्ड अच्छा है, किसका स्टैंडर्ड डाउन है, उसके अनुरूप जो है वो यूनिवर्सिटियों को ग्रेड ऑथराइज करती है। तो वो उन्होंने जो है अपना इग्नू यूनिवर्सिटी का जो है सर्वे किया और उसको A++ जो नंबर वन ग्रेड होता है वो दिया है अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी को। तो ये बहुत ही बड़ा जो है, बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा, अपनी यूनिवर्सिटी इग्नू को मिला है। तो इस पे माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की के मार्गदर्शन में जो है वो ये मिला है, तो उसका आभार व्यक्त किया है हमारे कुलपति जी ने, तो और उसको इस वेबसाइट के ऊपर भी डाला है। तो A++ नेक के द्वारा देना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इग्नू और इग्नू के स्टूडेंट के लिए। तो जो सोचते थे कि हमारे यूनिवर्सिटी इग्नू को थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा समझा जा सकता है। तो नंबर वन ग्रेडिंग सिस्टम मिला है इग्नू को, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा माना है, और उसका जो सेलेबस है वो जो नैक है उसने काफ़ी अच्छा माना है। हो सकता है कि छोटी मोटी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े मोटे परेशानियों का सबक स्टूडेंट को हो जाता है, लेकिन इतने स्टूडेंट को संभालना कोई आसान बात नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा, मैंने चाहा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि हमारे स्टूडेंट को पता चले कि नंबर वन ग्रेडिंग सिस्टम मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, नैक की तरफ से इग्नू यूनिवर्सिटी को। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से सिस्टम मिलते हैं। जब नैक किसी उसका सर्वे करती है तो वो 4 पॉइंट तक उसका सर्वे दिया जाता है। सबसे अगर किसी का सर्वे करते हैं 1.5 से नीचे रहता है तो उसको क्या है, मान्यता नहीं दी जाती। फिर 1.5 से 2 होता है तो सी दिया जाता है उसको, 2 से 2.5 के बीच में होता है तो बी दिया जाता है। इस तरीके से जो हमें इग्नू यूनिवर्सिटी को मिला है वो नंबर वन मिला है, नंबर वन 3.5 1 to 4 के बीच में, तो A++ ग्रेडिंग यहाँ पे मिला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या स्टैंडर्ड है इग्नू यूनिवर्सिटी का, एजुकेशन सिस्टम, सेलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और यह ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, हर एक पहलुओं को उनको नजर सर्वे करके ये जो है बनाया जाता है। तो कंग्रेचुलेशंस ऑल द इग्नू स्टूडेंट्स, A++ का जो ग्रेडिंग मिला है इग्नू को, उसके लिए आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।